हे गाइस, दिस इज योर बॉय एनबी सोनी। आज मैं आप लोग टीच करने वाला हूँ मनिंदर भट्टर के लेटेस्ट सॉन्ग लारे पे डांस। गाइस, अगर आपने तो मेरा लारे पे डांस वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग पास आते रहे। एंड गाइज, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मुझसे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरी स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी, दोनों हैंड मेरे कमर पर रहेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा मेरा यहाँ से, उसके लिए हैंड मूवमेंट मेरा रहेगा, मुझे हैंड्स को कुछ इस तरीके से लाना है, उल्टा टच करना है वन, एंड फिर एक बार फिर से टच करना है टू टाइम। तो टोटल टू टाइम टच करना है। एंड लेग मूवमेंट मेरा रहेगा, राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो राइट लेग से स्टेप एंड लेफ्ट लेग को हिल पे टच, फिर लेफ्ट लेग से स्टेप एंड राइट लेग को हिल पे टच। तो दोनों चीज़ साथ करेंगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ से मेरा लेफ्ट हैंड जाएगा कमर पे, एंड मुझे राइट लेग पे राइट साइड पे जंप करना है, सेम टाइम राइट हैंड को आगे की तरफ रखना है। अब मेरा राइट हैंड जाएगा कमर पे, एंड लेफ्ट लेग से लेफ्ट साइड में जंप करना है, एंड लेफ्ट हैंड आ गया। सो गाइज, अब ये जो मैंने स्टेप किया है ये जंप वाला, अगर आपको उसको डिटेल में सीखना है तो मैं इसका पहले से ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसको सीख सकते हो। ओके गाइज, तो यहाँ से मुझे फिर से रिपीट करना है 1 2 3 4, सेम पहले जैसे मेरा लेफ्ट हैंड कमर पे, इस बार राइट साइड में जंप करते ही मेरा राइट हैंड चल जाएगा सिर के पास, सेम चीज़ अपोजिट साइड में भी होगी कुछ इस तरीके से। ओके गाइज, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरे राइट लेग से स्टेप करना है राइट साइड में, जैसे स्टेप करूँगा तो लेफ्ट लेग ऊपर आ जाएगा एंड राइट हैंड आगे एंड लेफ्ट हैंड पीछे, एंड फिर से जैसे ही लेफ्ट लेग टच करूँगा तो पहले वाली पोजीशन में आ जाऊँगा। इसके बाद दोनों मेरे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे लेना है एंड टर्न करना है राइट साइड में। अब सेम चीज़ अपोजिट साइड में भी करनी है, तो उठाना है मुझे लेफ्ट लेग को, स्टेप करते ही राइट लेग ऊपर, एंड जैसे ही फिर से राइट लेग टच होगा नीचे तो लेफ्ट लेग ऊपर, अब पहले जैसे हैंड एक के नीचे एक और मुझे लेफ्ट साइड में आना है। इसके बाद मुझे करना है 1 2 3 एंड 4। ओके गाइस, तो एक बार मैं स्टार्टिंग से देखकर यहाँ तक आपको वापस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं करूँगा तो मैं सब कुछ छड़ दिता तेरे कर के, तेरे उत्थे सब कुछ वारी बैठी या, तेनू पता वता है पर फिकर नहीं, तेरे लई यारा वे कवारी बैठी या। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके लिए मैं आपको पहले हैंड मूवमेंट बता देता हूँ। मुझे क्या करना है, मेरे लेफ्ट हैंड को इस तरीके से लेना है, राइट हैंड को इसके नीचे से निकालना है, फिर मुझे राइट हैंड को ऊपर लेना है, लेफ्ट हैंड को नीचे से निकालना है, सेम चीज़ फिर से रिपीट करनी है थर्ड, एंड फिर से रिपीट करनी है फोर टाइम। तो टोटल फोर टाइम होंगे। ओके गाइस, सेम टाइम मेरा लेग मूवमेंट क्या रहेगा, अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ तो राइट लेग से स्टेप करना है, हम जैसे ही लेफ्ट लेग राइट लेग के पास जाएगा तो राइट लेग को आगे की तरफ टच करना है, तो 1.5 स्टेप करना है। सेम चीज़ लेफ्ट साइड में 1 एंड चेंज 2 एंड चेंज 3 एंड चेंज, तो टोटल 4 काउंट होंगे ये भी। तो एक बार लेग मूवमेंट हैंड मूवमेंट दोनों साथ में करेंगे, तो लास्ट पोजिशन से मैं करूँगा तो मैं कुछ इस पोजीशन में आ जाऊँगा, यहाँ से मैं करूँगा तो 1 2 3 4। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, पीछे की तरफ टर्न करना है एंड फिर ये चीज़ करनी है, तो यहाँ से मैं करूँगा तो 5 6 7 8। अब मुझे क्या करना है, मेरे लेफ्ट हैंड को कमर पे रखना है, राइट हैंड को खींचना है, सेम टाइम मुझे आगे की तरफ जाना है, लेग मूवमेंट मेरा सेम रहेगा। अब राइट हैंड कमर पे लेफ्ट हैंड से खींचना है, अब मेरा राइट लेग जाएगा राइट साइड में टॉप पे, एंड दोनों हैंड को ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है, जब ऊपर से नीचे की तरफ खींचूंगा तो राइट लेग से 1 2 टच करना है, तो 1 2, फिर मुझे दोनों हैंड को आगे की तरफ लाना है एंड फिर से पहले वाली चीज़ रिपीट करनी है मेरे को वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ओके गाइस, इसके बाद मुझे करना है 1 2 3 4, एंड फिर मुझे कुछ इस तरीके दोनों हैंड से वेव करना है एंड दोनों हैंड को कमरे पर रख के दोनों लेग्स को जॉइंट करना है। ओके गाइस, अब यहाँ से मैं आगे करूँगा तो मुझे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के लिए मेरा हैंड मूवमेंट रहेगा, सबसे पहले हैंड को आगे लाना है, फिर क्रॉस बना के ब्रेक करना है, फिर से हैंड्स को आगे लाना है एंड क्रॉस बना के ब्रेक करना है। ओके गाइस, अब लेग मूवमेंट क्या रहेगा, जब हैंड मूवमेंट मेरे ये रहेंगे तो सबसे पहले मुझे करना है, साइड से बताता हूँ आपको, सबसे पहले मुझे मेरे लेफ्ट लेग पे जंप करना है, फिर मुझे राइट लेग पे जंप करना है, फिर लेफ्ट लेग पे जंप करना है,
एंड फिर से राइट लेग पे जंप करना है। ओके गाइस, तो एक बार हैंड मूवमेंट लेग मूवमेंट दोनों साथ में करेंगे लास्ट पोजिशन से। तो यहाँ से मैं करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा लेफ्ट हैंड कमर पे एंड मुझे करना है 1 फिर 2 एंड 3 एंड 4 एंड फिर से लास्ट वाला स्टेप रिपीट करना है मेरे को 5 6 7 एंड 8 एंड एक बार मुझे और जंप करना है लेफ्ट लेग पे एंड दोनों हैंड को जॉइंट करना है। ओके गाइस, तो ये वीडियो कंप्लीट होता है, एक बार मैं स्टार्टिंग से लेकर जाता हूँ आपको वापस करके दिखाता हूँ। तो मैं सब कुछ छड़ दिता तेरे कर के, तेरे उत्थे सब कुछ वारी बैठी, हाँ तेनु पता वता है पर फिकर नहीं, तेरे लई यारा वे कवारी बैठी, हाँ यारी तेरी ये यारी जिस्मा तक है सारी दी सारी, यारी यारी तेरी ये यारी जिस्मा तक है सारी दी सारी, हो धोखा होना मेरे नाल वे एंड कम मैनू पता बस लारे आ वे तू व्या नी करोना मेरे नाल, मैनू पता बस लारे आ वे तू ब्याह नी करोना मेरे नाल एंड एंड। सो गाइस, ये वीडियो कंप्लीट होता है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।